कांगो डीआरसी में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा रहे बीएसएफ के दो जवान 26 जुलाई को युगांडा के साथ लगी सीमा के पास एक पूर्वी शहर में विरोध प्रदर्शन के दौरान शहीद हो गए। दोनों की शहादत की खबर जैसे ही भारत सरकार को लगी, पीएम मोदी समेत विदेश मंत्री एस जयशंकर गुस्से से लाल हो गए। इन जवानों की शहादत पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बीएसएफ के दो बहादुर भारतीय शांति सैनिकों के मारे जाने पर गहरा दुख हुआ। वो मनुष्को का हिस्सा थे। इन क्रूर हमलों के अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। विदेश मंत्री के अलावा खुद पीएम मोदी ने बीते शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों के बीच कांगो के हालात को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो से इस संबंध में तेजी से जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस हमले के अपराधियों को न्याय के दायरे में लाकर उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। पीएम मोदी से बातचीत करने के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शहीद हुए शांति दूतों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना दी। इसी के साथ एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के लोगों और सरकार को भी दो शांति दूतों के शहीद होने पर सांत्वना दी। इसी के साथ उन्होंने कांगो में शांति मिशन पर हुए हमले की तेजी से जांच कराने के लिए हर संभव कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, साथ ही इस हमले की कड़ी निंदा भी की। आपको बता दें कि भारत का संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सेवा का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत ने किसी भी अन्य देश की तुलना में यूएन पीस कीपिंग मिशन में सबसे अधिक कर्मचारियों का योगदान दिया है। साल 1948 से लेकर अब तक दुनिया भर में स्थापित 71 यूएन शांति अभियानों में से 49 में 2,53,000 से अधिक भारतीयों ने सेवा दी है। मौजूदा वक्त में भारत के लगभग 5,500 सैनिक और पुलिस कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में तैनात हैं। बहरहाल, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।